बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर में हमने डायोड्स को, सेमीकंडक्टर्स को, सिलिकन को, उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा था, डोपिंग, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स दोनों को स्टडी किया था, डोपिंग किस तरह होती है वो देखा था। फिर हमने करंट फ्लो मैकेनिज्म्स, डिफ्यूजन एंड ड्रिफ्ट करंट्स को हमने स्टडी किया था, और इक्वेशंस हमने डिराइव की थी। फिर हमने एनएनपी टाइप सेमीकंडक्टर्स को जॉइन करके देखा था कि क्या होता है उसके इंटरफेस पे। वी हैव अ डिप्लीशन रीजन इज फॉर्म्ड, और जब पीएन जंक्शन के ओपन टर्मिनल्स हैं तो द पीएन जंक्शन इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन द डिफ्यूजन करंट इज इक्वल एंड ऑपोजिट इन डायरेक्शन टू द ड्रिफ्ट करंट, सो इक्विलिब्रियम इज़ अचीव्ड। ठीक है, ये सारी इनको हमने की मैथमेटिकल डेरिवेशंस और इसको मैथमेटिकली हमने देखा था, और फिर हमने इंटरप्रिटेशंस को डिस्कस किया था। तो यहाँ पे हम अपनी टॉपिक को आगे लेके चलते हैं, द पीएन जंक्शन विद एन अप्लाइड वोल्टेज। पीएन जंक्शन पे वोल्टेज आप अप्लाई कर सकते हैं आइदर फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस। फॉरवर्ड बायस इज़ वेन द पी टाइप सेमीकंडक्टर is connected to the positive terminal of the battery and the n-type semiconductor is connected with the negative terminal of the battery. So that is forward bias configuration. यहाँ पे आप देख सकते हैं positive terminal of the battery connected to p-type semiconductor and negative terminal of the battery connected to n-type semiconductor. Reverse bias condition में negative terminal of the battery is connected to p-type semiconductor and positive terminal of the battery connected to n-type semiconductor. फॉरवर्ड बायसिंग करने का फ़ायदा ये है कि जो बिल्ट इन पोटेंशियल यहाँ पे इस्टेब्लिश होता है, दिस फॉरवर्ड बायस सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द बिल्ट इन पोटेंशियल। देखिए, बिल्ट इन पोटेंशियल की वजह से डिप्लीशन रीजन में डिफ्यूजन करंट फ्लो होने में प्रॉब्लम्स आती है, यानी हिंड्रेंस द बिल्ट इन पोटेंशियल हियर एट द डिप्लीशन रीजन हिंडर्स द फ्लो ऑफ डिफ्यूजन करंट। ठीक है, तो व्हेन वी अप्लाई अ फॉरवर्ड वोल्टेज across the PN junction, so this forward bias voltage subtracts from the depletion region built-in potential, resulting in more diffusion current being flown from the p-type to the n-type semiconductor. ठीक है, तो diffusion current की जो है magnitude वो increase हो जाता है, और drift current on the other hand, क्योंकि यहाँ पर built-in potential कम हो गया है, ठीक है, resulting in less electrons and holes, less minority carriers being drifted away from the N to P or P to N regions. ठीक है, तो forward bias voltage apply करने से diffusion current का magnitude increase हो जाता है और drift current का magnitude decrease हो जाता है. The opposite is true for due to narrowing of the depletion region width. Reverse bias voltage में the depletion region is expanded. ठीक है, इसकी जो विड्थ डिप्लीशन रीजन की है एक्सपैंड कर जाती है, रिजल्टिंग इन लेस डिफ्यूजन करंट फ्लोइंग, लेस डिफ्यूजन ऑफ होल्स फ्रॉम पी टू एन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टू पी, क्योंकि यहाँ पे बिल्ट इन पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। दिस रिवर्स बायस वोल्टेज एक्चुअली एड्स विद द बिल्ट इन पोटेंशियल, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल है, तो होल्स में जो होल्स आर अट्रैक्टेड बाय दिस नेगेटिव टर्मिनल हियर, लीविंग बिहाइंड नेगेटिव आयंस, अनबाउंड नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट हो रहे हैं, लीविंग बिहाइंड बाउंड पॉजिटिव चार्जेस। तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ जो है वो एक्सटेंड हो जाती है, उसकी विड्थ बढ़ जाती है, एंड दिस बिल्ट इन पोटेंशियल, दिस रिवर्स बायस वोल्टेज एड्स विद द बिल्ट इन पोटेंशियल। सो इन ऑर्डर फॉर डिफ्यूजन टू हैपन, फॉर चार्जेस टू डिफ्यूज फ्रॉम पी टू एन एंड एन टू पी, द बैरियर पोटेंशियल नीड्स टू बी ओवरकम, और ये बैरियर पोटेंशियल इंक्रीज हो गया। बट ऑन द अदर हैंड, ड्रिफ्ट करंट जो है वो इंक्रीज हो जाता है, डिफ्यूजन करंट डिक्रीज हो जाता है, ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज हो जाता है। ड्रिफ्ट करंट इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अब यहाँ पे जो भी माइनॉरिटी कैरीज हैं उन पे जो ड्रिफ्ट है, जो इफेक्ट है, वो बहुत ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इंक्रीज होने से माइनॉरिटी कैरीज ऑन आइदर साइड आर ड्रिफ्टेड विद अ हायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ड्रिफ्ट करंट इंक्रीज हो जाता है, डिफ्यूजन करंट डिक्रीज हो जाता है रिवर्स बायस कंडीशन में। ओके, सो हियर वी हैव
फॉर अ रिवर्स बायस पीएन जंक्शन द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इज डिपेंडेंट अपॉन द रिवर्स बायस वोल्टेज. ठीक है, यानी कि वी नॉट में वी आर रिवर्स बायस वोल्टेज ऐड हो जाता है तो विड्थ डिप्लेशन रीजन की इंक्रीज हो जाती है. द चार्ज इन द डिप्लेशन रीजन ऑन अदर साइड इज फर्दर इंक्रीज. इट इज इंक्रीज बाई बिकॉज वी नॉट इज बींग एडेड विथ वी आर रिवर्स बायस वोल्टेज. द करंट इन द एक्सटर्नल सर्किट इज द डिफरेंस बिटवीन आई डी एंड आई एस, आई डी माइनस आई एस, क्योंकि आई डी लेफ्ट टू राइट फ्लो कर रहा है, पी टू एन साइड फ्लो कर रहा है, और ड्रिफ्ट करंट जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है फ्रॉम एन टू पी, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट. सो द टोटल करंट इन एनी डायरेक्शन इज द डिफरेंस ऑफ दीज टू करंट्स. तो डिफ्यूजन करंट जब वेन यू हैव फॉरवर्ड बायसिंग तो डिफ्यूजन करंट इज ग्रेटर देन ड्रिफ्ट करंट, सो द करंट इज पॉजिटिव. ठीक है, एंड वेन यू हैव ड्रिफ्ट करंट जब रिवर्स बायस कंडीशन है डिफ्यूजन करंट इज वेरी स्मॉल एंड ड्रिफ्ट करंट इज हायर, सो वी हैव अ नेगेटिव करंट फ्रॉम एन टू पी टाइप सेमीकंडक्टर. ओके, दैट इज बाय द वे ऑल्सो पॉजिटिव करंट क्योंकि एन टाइप से होल्स फ्लो कह रहे हैं माइनॉरिटी कैरियर्स टू द पी टाइप सेमीकंडक्टर. और जो इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट है वो हमने इलेक्ट्रॉन करंट को पॉजिटिव कंसिडर कर लिया. ठीक है, ओके. अच्छा जी, कैरियर कॉन्सेंट्रेशन प्रोफाइल की बात करें विद रिस्पेक्ट टू द डिस्टेंस एक्स डायमेंशन, तो दिस इज द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन. ठीक है, दिस इज पी टाइप रीजन, दिस इज एन टाइप रीजन सेमीकंडक्टर इनिशियली एंड द पी एन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड. ठीक है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है, एन टाइप पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है, सच दैट द विड्थ ऑफ द डिप्लेशन रीजन इज रिड्यूस्ड. वी नॉट माइनस वी एफ इज द केस, डिप्लेशन बिल्ट इन पोटेंशियल पे फॉरवर्ड बायस वोल्टेज उसको सब्ट्रैक्ट कर रहा है. Lowering the width of, reducing the width of the depletion region, implying higher diffusion current and lower drift current. If that is the case, तो यहाँ पर देखिए thermal equilibrium case में n type semiconductor में holes की concentration वो at equilibrium was denoted by PN0. ठीक है, PN0. It is some constant concentration as per the thermal the value as per thermal equilibrium. P equals to N equals to Ni, intrinsic carrier concentration. ठीक है, and further it was it is equal to Ni square upon Nd. यहाँ पे आपके पास P region में जो minority carrier concentration है, electrons की concentration, electrons की P type semiconductor में electrons की concentration at equilibrium Np0 is given by this here, Ni square upon Na. और एक्सेप्टर एटम कॉन्सेंट्रेशन डोनर एटम से बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे माइनॉरिटी कैरी कॉन्सेंट्रेशन कम है, यहाँ पे ज़्यादा है एन रीजन में कंपेयर टू पी रीजन. ठीक है, जब आपके पास डिफ्यूजन, जब आपके पास फॉरवर्ड बायस अप्लाई किया गया तो बहुत ज़्यादा होल्स डिफ्यूज कर गए पी टाइप सेमीकंडक्टर से एन टाइप रीजन में सेमीकंडक्टर में. सो दिस कैरी कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली इंक्रीजेज, यानी कि इस पॉइंट पे xn पे पी एन xn होल्स की कॉन्सेंट्रेशन एन टाइप रीजन में एट xn इज वेरी लार्ज, इज वेरी हाई, एंड दिस कैरी कॉन्सेंट्रेशन फर्दर एज यू मूव टूवर्ड्स x इट डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली एज द होल्स मे रिकम्बाइन विद द इलेक्ट्रॉन्स अनलेस एंड अंटिल दे आर रिप्लेनिश्ड बाय द एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज. तो यहाँ पे जो माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई एंड इट इज़ डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटर्नल अप्लाइड फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाइड, दैट इज मैथमेटिकली होल्स की माइनॉरिटी कैरी कॉन्सेंट्रेशन एट एन टाइप सेमीकंडक्टर इन एन टाइप सेमीकंडक्टर एट अ रीजन एक्स एन, यानी कि जस्ट एट द एज ऑफ द डिप्लेशन रीजन, इट इज इक्वल टू जो इंट्रेंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन थी, इट इज़ फर्दर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज्ड वी अपॉन वी टी, वे वी टी इज थर्मल वोल्टेज एंड वी इज द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज. तो पी एन जीरो से एब्रप्टली इंक्रीज हो गई डिप्लेशन रीजन की बाउंड्री पे एन टाइप सेमीकंडक्टर पे होल्स की या माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन. अच्छा जी,
अब एक्सेस कैरी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ये जो एक्सेस आया, ये जो सर्ज आया होल्स में, ये जो सर्ज आया होल्स में, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन होल्स की माइनॉरिटी कैरियर्स की बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो कितनी बड़ी, इतनी बढ़ गई. सो द डिफरेंस बिटवीन पी एन एक्स एन एंड पी एन ज़ीरो इज दिस रीजन हियर, दिस एक्सेस कैरी कॉन्सेंट्रेशन. So the excess carry concentration is the difference between minority carry concentration right at the edge of the depletion region, that is x equals to xn, and pn0, which was the minority carry concentration at equilibrium condition. ठीक है, यहाँ से pn0 common ले ले, exponential v upon vt minus 1. Now throughout the एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप रीजन, होल्स की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी एट अ स्पेसिफिक इंस्टेंट एक्स, फॉर एग्जाम्पल एट अ स्पेसिफिक लोकेशन एक्स, यानी के यहां पे कहीं, यहां पे इन एक्स एट एनी इंस्टेंट एट एनी लोकेशन एक्स, होल्स की कॉन्सेंट्रेशन, माइनॉरिटी के लिए कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी एन रीजन में. तो दिस इज इक्वल टू पी एन जीरो, पी एन नॉट, यानी इंट्रेंसिक कैरी कॉन्सेंट्रेशन प्लस एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन एक्सपोनेंशियली डीकेज ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. तो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स एन अपॉन डिवाइड बाई एल पी. ठीक है, तो जिस तरह से एक्स डायरेक्शन एक्स एक्स एन से इंक्रीज करता जा रहा है, इट इज अ नेगेटिव एक्सपोनेंशियल. तो एक्सपोनेंशियल आपकी जो कैरी कॉन्सेंट्रेशन है माइनॉरिटी की, वो एक्सपोनेंशियली डीके होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है. एंड एल पी इज डिफ्यूजन लेंथ, दैट इज एक्सपोनेंशियल डीके इज कैरेक्टराइज बाय द कॉन्स्टेंट एल पी. ये वो लेंथ है विच इज डिपेंडेंट अपॉन द कैरियर लाइफ टाइम, कि इस लेंथ के बाद इतनी लेंथ होल कवर करेगा एन टाइप रीजन में, माइनॉरिटी कैरियर कवर करेगा एन टाइप रीजन में, एंड अंटिल इट्स रिकम्बाइंड विद एन इलेक्ट्रॉन. सो दैट इज अ डिफ्यूजन लेंथ ऑफ द होल, कहाँ तक डिफ्यूज हुआ वो और फर्दर इट्स रिकम्बाइंड. तो यहाँ पे एक्सेस कैरी कॉन्सेंट्रेशन का ये फॉर्मूला यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, दिस इज पी एन एक्स. ओके, होल्स की एन टाइप सेमी कंडक्टर में होल्स की कॉन्सेंट्रेशन एट एनी इंस्टेंट लोकेशन एक्स, सच डेट एक्स इज ग्रेटर देन एक्स एन, और इट कैन ऑल्सो बी एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स एन. ठीक है, तो यहाँ पे द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, क्योंकि होल्स डिफ्यूज हो रहे हैं पी टाइप से एन टाइप में, द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी हम निकाल सकते हैं, इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्लोप ऑफ दिस टू द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, टू द स्लोप ऑफ पी एन एक्स. ठीक है, और यहाँ पे इफ यू डिफ्रेंशिएट दिस इक्वेजन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यू विल एंड अप विद दिस इक्वेजन हियर. DP is the, remember, diffusivity 12 centimeter square per second for holes in intrinsic semiconductor tau. Okay, so this is the equation for diffusion current density at x equals to xn. Kya hoga, right at the edge of the depletion region, this factor, exponential factor, will be equal to 1, exponential 0 is 1. We will be having the highest diffusion current density right at the edge of the depletion region at x equals to xn, यानी कि यहाँ पे x equals to xn पे वी विल बी हैविंग द हाईएस्ट डिफ्यूजन करंट डेंसिटी गिवन बाय दिस इक्वेशन हियर. ओके, फॉर x इज ग्रेटर देन xn, ऑफ कोर्स
दिस फॉर्मूला अप्लाइज, जितना आप एक्स से कोएक्सेंस इंक्रीज करवाएंगे उतना ही करंट डेंसिटी कम होती जाएगी, ठीक है। बट अगर ये करंट डेंसिटी कम हो गई, डिफ्यूजन करंट डेंसिटी कम हो गई ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन, तो इट मे हैपन दैट एट द एज ऑफ द एन टाइप रीजन तमाम होल्स जो है वो रिकम्बाइन हो गए इलेक्ट्रॉन से, दे वैनिश फ्रॉम द सीन एंड वी आर लेफ्ट विद ओनली इंट्रिंसिक, वी आर लेफ्ट विद ओनली इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, वी आर लेफ्ट विद ओनली इंट्रिंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन एंड दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स इज वेरी स्मॉल, नो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिफ्यूजन करंट कैन फ्लो अनलेस एंड अंटिल द होल्स लॉस्ट आर रिप्लेनिश्ड और द इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट आर रिप्लेनिश्ड बाई द एक्सटर्नल सप्लाई, सिर्फ उस सूरत में इस पी एन एक्सन को हम मेंटेन रख सकते हैं। सो द डिफ्यूजन करंट कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड, द डिफ्यूजन करंट डेंसिटी कैन बी अप्रॉक्सीमेटेड बाई दिस इक्वेशन हियर, कि इतना ही करंट फ्लो करेगा थ्रू आउट द एन रीजन, क्योंकि कोई जो इलेक्ट्रॉन्स लूज हो रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेनिश हो रहे हैं, जो होल्स लूज हो रहे हैं उतने ही होल्स रिप्लेनिश हो रहे हैं बाई द एक्सटर्नल सप्लाई, तो उस सूरत में ये डिफ्यूजन करंट डेंसिटी कैन बी सस्टेन्ड, ठीक है। सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी द सेम फॉर्मूला अप्लाइज, माइनस एक्स पी, यानी कि यहाँ पे वी विल बी हैविंग अ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी एट हियर, और वो एक्सपोनेंशियली डीके कर रहा है ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन एंड फर्दर इट्स रिप्लेनिश्ड बाय द एक्सटर्नल सप्लाई, सो दिस डेंसिटी सस्टेन्स, ठीक है। द टोटल डिफ्यूजन करंट डेंसिटी, अगर आप इस इलेक्ट्रॉन डिफ्यूजन करंट डेंसिटी को भी, क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में, इसको आप पॉजिटिव कर लें, डायरेक्शन चेंज कर दें, सो वी विल बी हैविंग पॉजिटिव करंट डेंसिटी डिफ्यूजन करंट, तो उस डिफ्यूजन करंट डेंसिटी को अगर आप एरिया से मल्टीप्लाई कर लें तो विल बी हैविंग डिफ्यूजन करंट ए इक्वल्स ए जे पी प्लस जे एन एंड यू एड द इलेक्ट्रॉन एंड होल डिफ्यूजन करंट्स करंट डेंसिटीज हियर, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिफ्यूजन करंट डेंसिटी for a forward biased PN junction. Further, PN0 is given by this formula, NP0 is given by this formula, aap apply kar dein, so this will be the diffusion current, or further aap, this here is the scale current, so this can be approximated as I is equals to IS exponential V upon VT minus 1, where the scale current is equal to this factor here, this equation. तो यहाँ पे आप देख लें कि इफ द फॉरवर्ड दिस टोटल करंट इज इक्वल्स टू आई एस एक्सपोनेंशियल वी अपॉन वी टी माइनस आई एस, ठीक है, एंड रिमेंबर आई एस वॉज द ओके, सो दिस इज दिस करंट आई एस एक्सपोनेंशियल वी अपॉन वी टी माइनस आई एस, तो अगर वोल्टेज जो है वो फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, पी एन जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस, सो वी विल बी ग्रेटर देन वी टी, थर्मल वोल्टेज एट रूम टेम्परेचर 26 मिली वोल्ट अप्रॉक्सीमेटली, तो द फर्स्ट टर्म विल बी ग्रेटर देन द सेकेंड टर्म, द फर्स्ट टर्म विल बी सिग्निफिकेंट एंड वी विल बी हैविंग करंट, अ पॉजिटिव करंट, डिफ्यूजन करंट विच इज फ्लोइंग थ्रू द पी एन डायोड, बट इफ वी इज नेगेटिव वी हैव अ रिवर्स बायस कंडीशन अपॉन द पी एन जंक्शन, सो दिस एक्सपोनेंशियल टर्म एक्सपोनेंशियल माइनस वी अपॉन वी टी विल बी वेरी स्मॉल कंपेयर टू वन, so we will be having a current in the reverse direction indicating drift current density and that will be constant, this one, and this drift current density, this drift current is directly proportional to the area, the cross sectional area of the PN junction, and therefore this current, it is a constant, it is also known as saturation current or scale current, because if you increase the area A, this saturation current will increase proportionally, so it is also known as scale current, okay. Okay, so this is the IV characteristic curve for a PN junction in forward and reverse biased, as you already know, uske piche jo mathematics hai wo maine aapko bata di hai, define we have derived it together. IV characteristics, a certain amount of voltage is required for a PN junction to overcome the built-in potential in forward bias, so the forward bias voltage subtracts from the built-in potential V0 minus VF, so resulting in narrowing of the depletion region width,
and the current which is exponentially increasing accordingly. That is, the first part of the equation holds. I is equals to IS exponential V upon VT when V is much greater than VT. And if we have a reverse bias voltage, negative voltages, so I is equals to minus of IS. And it's a constant here, the scale current in negative direction. Okay? If we further increase the reverse bias potential significantly, we will be having breakdown voltage, we will be having a breakdown effect. And breakdown effect is due to two reasons, due to Zener effect or due to avalanche effect. At low voltages, this breakdown effect is associated with Zener effect, and at higher voltages, higher reverse bias voltages, it is associated with avalanche effect. Okay, now let's discuss these two effects. Okay, Zener effect mein the reverse bias voltage applied is so large, and further it adds with the built-in potential, widening the depletion region, resulting in a very large electric field. अब ये जो electric field है, it influences the valence electrons of the atoms such that due to this electric field, energy is acquired by those valence electrons of the atoms, and they leave the parent atom and become free electrons. That is, they move from valence band to conduction band. अब इस electric field की वजह से जब concentrations free electrons electrons free होना शुरू हो गए atom से, they are no longer bounded. This results in a large reverse bias current or drift current to flow from N to P and P to N regions. So this is one of the reasons ke aapke paas, and the voltage need the depletion region voltage do not need to be extend a lot. Usko increase ke hone ki zarurat nahi hai, kyunki usne ek sufficient electrical field generate kar di hai jiski wajah se electrons release ho rahe hain, apne parent atom ko chhod rahe hain, or they are flowing as they should flow under the influence of electric field. That is, electrons flowing from opposite to the direction of electric field, and holes flowing from within the direction of electric field, resulting in a high, very large drift current. Ye hai Zener effect aur avalanche effect mein the minority carrier which is drifted under the influence of the electric field or by the electric field, that free charge has acquired so much energy that when it hits an atom, it releases valence electrons, okay? Resulting, and further those electrons which get free, those electrons further hit other atoms in the N and P structures respectively, and they release more electrons, more free charges. तो इसकी वजह से देयर इज एन एवलॉन्च इफेक्ट, हैंस द नेम एवलॉन्च. एट मच हायर वोल्टेजेस Zener इफेक्ट लोअर रिवर्स बस वोल्टेजेस पे होता है, और एवलॉन्च इफेक्ट हायर रिवर्स बस वोल्टेजेस पे होता है, ठीक है? तो दोनों के फिनोमिनन में थोड़ा सा फ़र्क है. Zener वोल्टेज में इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जिसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अपने पेरेंट एटम को छोड़ देते हैं, दे कॉन्ट्रीब्यूट इन द ड्रिफ्ट करंट, ठीक है? बिकॉज देयर मूवमेंट इज अलाइंड विद द इलेक्ट्रिक फील्ड. और एवलॉन्च इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स, जो माइनॉरिटी कैरियर्स विच कॉन्स्टिट्यूट ड्रिफ्ट करंट, वो जो फ्लो कर रहे हैं, जो अलाइंड है इलेक्ट्रिक फील्ड के हिसाब से, एंड दे आर मूविंग, दे हिट एटम्स, उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा है, दोज माइनॉरिटी कैरियर्स विच आर ड्रिफ्टेड, वो हिट करते हैं एटम्स को, एंड दे रिलीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और वो जो रिलीज हो रहे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, उनकी भी इतनी सफिशिएंट एनर्जी है, उन्होंने एक्वायर कर लिए, दैट व्हेन दोज इलेक्ट्रॉन्स और चार्जेस हिट अदर एटम्स, दे स्टार्ट रिलीजिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंगली. सो दिस इज एन एवलॉन्च इफेक्ट एट हायर रिवर्स बायस वोल्टेजेस, रिजल्टिंग अल्टीमेटली इन द ब्रेकडाउन रीजन. This breakdown is not destructive, by the way, if this current is controlled through external circuitry in the form of resistors. अगर आप इस current flow को limit कर दें
तो दोबारा फॉरवर्ड बायस अप्लाई करके ये कैरेक्टरिस्टिक्स अचीव की जा सकती है ऑफ द डायोड. सो अनलेस एंड अंटिल दिस रिवर्स बायस करंट इज लिमिटेड टू सम एक्सेप्टेबल वैल्यू थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, दिस ब्रेक डाउन इफेक्ट इज नॉट हार्मफुल फॉर द डायोड फॉर द पी एन जंक्शन. ठीक है, ओके, दैट इंक्लूड्स द पी एन जंक्शन. नाउ अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज द लास्ट टॉपिक इज कैपेसिटिव इफेक्ट्स इन द पी एन जंक्शन. कैपेसिटिव इफेक्ट्स पी एन जंक्शन में फॉरवर्ड बायस पे एक इफेक्ट है, रिवर्स बायस पे एक और इफेक्ट है. ठीक है, व्हेन द पी एन जंक्शन इज रिवर्स बायस वी हैव डिप्लीशन और जंक्शन कैपेसिटेंस. हमें पता है, हमने ये फॉर्मूला देखा है कि चार्ज इन द डिप्लीशन रीजन इंक्रीजेस ड्यू टू रिवर्स बायस वोल्टेज, क्योंकि दिस रिवर्स बायस वोल्टेज एड्स विद द बिल्ट इन पोटेंशियल. ठीक है, तो क्यू जे इज इक्वल्स टू अल्फा रूट ऑफ वी नॉट प्लस वी आर, वेयर अल्फा इज इक्वल्स टू दिस 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 होल टर्म हियर, ए टाइम्स दिस हियर. तो यहाँ पे चार्ज और वोल्टेज का एक रिलेशनशिप तो है, लेकिन ये कोई इतना डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप नहीं ड्यू टू दिस स्क्वायर रूट. सो व्हाट हैपेंस इज फॉर अ कैपेसिटिव इफेक्ट टू मैनिफेस्ट इटसेल्फ व्हाट वी डू इज वी टेक द डिफरेंशियल चार्ज और इंक्रीमेंटल चार्ज. सो इफ यू प्लॉट चार्ज स्टोर्ड इन द डिप्लेशन रीजन विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स बायस वोल्टेज, लेट्स से वी हैव बायस द पी एन जंक्शन एट अ स्पेसिफिक वोल्टेज लेवल रिजल्टिंग इन अ रिवर्स बायस वोल्टेज लेवल रिजल्टिंग इन अ चार्ज क्यू जे हियर. नाउ दिस इज द क्यू पॉइंट ऑफ बायस पॉइंट. अब अगर इस बायस पॉइंट से इफ वी डिफ्रेंशिएट और टेक द स्लोप और द टेंजेंट विच पासिस थ्रू दिस क्यू पॉइंट, देन वी हैव एन इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस, देन द चार्ज एंड वोल्टेज आर रिलेटेड विद एन इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट थ्रू दिस क्यू पॉइंट इज द जंक्शन कैपेसिटेंस. किस तरह, यहां पर देखें. सो दिस वॉज द रिलेशनशिप बिटवीन द चार्ज एंड द अप्लाइड वोल्टेज. सो इफ यू टॉक अबाउट द इंक्रीमेंटल चार्ज, सो इफ यू डिफ्रेंशिएट द चार्ज विद रिस्पेक्ट टू द रिवर्स बायस वोल्टेज, वेन द रिवर्स बायस वोल्टेज इज फिक्स इट्स फिक्सड एट अ क्यू पॉइंट, दैट इज वी आर टॉकिंग अबाउट वेरी स्मॉल डिविएशंस फ्रॉम द रिवर्स बायस वोल्टेज फ्रॉम दिस क्यू पॉइंट. सो इफ यू डिफ्रेंशिएट क्यू जे विद रिस्पेक्ट टू वी आर विल एंड अप विद दिस इक्वेशन हियर, सी जे इज इक्वल्स टू अल्फा डिवाइड बाई टू रूट वी नॉट अपॉन आर, वी नॉट प्लस आर. ठीक है, वेयर इफ वी डू नॉट हैव एनी रिवर्स बायस वोल्टेज, एनी ओपन टर्मिनल पी एन जंक्शन, तो वी आर इज जीरो, सो वी हैव सी जे नॉट इज दिस इक्वेशन हियर, एंड इफ यू सब्सटीट्यूट सी जे नॉट हियर, सो वी हैव दिस इक्वेशन हियर, दैट इज द कैपेसिटेंस ऑफ द रिवर्स बायस डिप्लेशन रीजन ऑफ द डिप्लेशन रीजन इज इक्वल्स टू सी जे नॉट अपॉन डिवाइड बाई वन प्लस वी आर अपॉन वी नॉट. और यहाँ पे ये जो बात हो रही है ये इंक्रीमेंटल चार्जेस की बात हो रही है, क्योंकि अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्यू इज इक्वल्स टू डिफरेंशियल कैपेसिटी, डिफरेंशियल चार्ज इज रिलेटेड टू डिफरेंशियल वोल्टेज थ्रू जंक्शन कैपेसिटेंस सी जे, एंड दिस जंक्शन कैपेसिटेंस इज द स्लोप ऑफ द क्यू वी कैरेक्टरिस्टिक कर्व. ठीक है, अगेन आई रिपीट, यहाँ पे जो आपके पास फॉर्मूला था Q इज इक्वल्स टू सी वी, चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड एंड द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज कैपेसिटेंस. तो यहाँ पे जो रिलेशनशिप है इट इज़ नॉट, इट इज़ अ स्क्वायर रूट रिलेशनशिप. ठीक है, तो चार्ज जो है वो वोल्टेज पे डायरेक्टली डिपेंडेंट नहीं है, Q इक्वल्स टू सी वी वाली बात कंडीशन स्ट्रिक्टली यहाँ पे फॉलो नहीं की, वो यहाँ पे पूरी नहीं हो रही. तो यहाँ पे इफ यू प्लॉट चार्ज विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स बायस वोल्टेज एंड यू फिक्स दिस रिवर्स बायस वोल्टेज, ठीक है, दिस रिवर्स बायस वोल्टेज इज फिक्स्ड इम्प्लाइंग अ चार्ज इज फिक्स्ड इन द डिप्लेशन रीजन. तो दिस इज द बायस पॉइंट हियर. और इस बायस पॉइंट पे अगर आप वोल्टेज को, रिवर्स बायस वोल्टेज को थोड़ा सा डिविएट करें, इंक्रीमेंटल डिविएशन करें थ्रू दिस क्यू पॉइंट, सो देन दैट इज द टेंजेंट थ्रू दिस लाइन,
देन दिस टेंजेंट और द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज द कैपेसिटेंस, क्योंकि अब इंक्रीमेंटल चार्ज और इंक्रीमेंटल वोल्टेज लीनियरली डिपेंडेंट है थ्रू दिस कैपेसिटेंस सी जे. दैट इज द इंक्रीमेंटल चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीमेंटल वोल्टेज, रिवर्स बायस वोल्टेज, एंड द कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी इज द जंक्शन कैपेसिटेंस. तो इसी चीज़ को हमने यहाँ पे एक्सप्लोर किया है, यानी कि इसको डी क्यू जे को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू रिवर्स बायस वोल्टेज इस इक्वेशन को, एंड वी एंडेड अप विद दिस इक्वेशन हियर. यहाँ से इंक्रीमेंटल जंक्शन कैपेसिटेंस का इक्वेशन हमने डिराइव कर ली. तो यहाँ पे सी जे नॉट की वैल्यू को अगर आप रखें, अल्फा को रखें, सो दिस इज द कंप्लीट इक्वेशन हियर. इंपॉर्टेंट हियर इज कि जंक्शन कैपेसिटेंस इज प्रोपोर्शनल टू रिवर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिवर्स बायस वोल्टेज, एंड दिस रिवर्स बायस वोल्टेज इज नेगेटिव, सो इट एक्चुअली दिस टर्म सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम वन. सो द हायर द रिवर्स बायस वोल्टेज, द मोर द सब्ट्रैक्शन, द हायर द जंक्शन कैपेसिटेंस. ओके, एंड द जनरलाइज फॉर्मूला इज इन टर्म्स ऑफ स्क्वायर रूट, इन प्लेस ऑफ स्क्वायर रूट इट इज एम फॉर ग्रेडेड जंक्शन, एंड फॉर एब्रप्ट जंक्शन इट इज स्क्वायर रूट. एब्रप्ट जंक्शन इज के इमिजिएटली पी एन जंक्शन में एन टाइप रीजन में जो इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, या होल्स की कॉन्सेंट्रेशन जो है वो एब्रप्टली ख़त्म हो रही है और इलेक्ट्रॉन्स की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है एन टाइप रीजन में, राइट एट द बाउंड्री. ग्रेडेड जंक्शन में दिस डिफ्यूजन इज नॉट एब्रप्ट, इट इज स्लोअर. ठीक है, सो दैट्स अ डिफरेंस. देन वी हैव अनदर कैपेसिटिव इफेक्ट, द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस रिलेटेड टू द फॉरवर्ड बायस पी एन जंक्शन. ओके, डिफ्यूजन कैपेसिटेंस में देखिए, व्हेन वी अप्लाई अ फॉरवर्ड बायस अक्रॉस अ पी एन जंक्शन, तो द माइनॉरिटी कैरी कॉन्सेंट्रेशन इन बोथ द एन एंड पी टाइप रीजन्स इंक्रीज. ठीक है, इट इंक्रीजेस अंटिल अ न्यू इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड. यानी कि अगर आप इस ग्राफ को देखें, यहाँ पे तो व्हेन वी अप्लाई अ फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, तो यहाँ पे जो कैरी कॉन्सेंट्रेशन है, माइनॉरिटी कैरी कॉन्सेंट्रेशन, वो एब्रप्टली इंक्रीज कर जाती है. ठीक है, एंड दिस चेंज इन द माइनॉरिटी कैरी कॉन्सेंट्रेशन इन ऑफ द चार्जेस, माइनॉरिटी चार्जेस, इज डिपेंडेंट अपॉन द अप्लाइड वोल्टेज. ठीक है, एंड फर्दर अ न्यू इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड, दैट इज चार्जेस दे फ्लो, दे एब्रप्टली इंक्रीज, दे रिकम्बाइन, एंड अ न्यू इक्विलिब्रियम इज अचीव्ड अंटिल अनलेस द चार्जेस आर फर्दर रिप्लेनिश्ड. ठीक है, तो ये जो चेंज है माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का, दिस चेंज इन द चार्ज कॉन्सेंट्रेशन इज एसोसिएटेड विद अप्लाइड पॉजिटिव वोल्टेज. सो दिस लिंकेज ऑफ चार्ज कॉन्सेंट्रेशन, चार्जेस टू द वोल्टेज, क्रिएट्स अनदर कैपेसिटिव इफेक्ट, एंड दिस कैपेसिटिव इफेक्ट इज द डिफ्यूजन कैपेसिटेंस. ओके, this is the diffusion capacitance. That is, a certain amount of excess minority charge carrier is stored in each of the PN and bulk regions outside the depletion region. If the terminal voltage V changes, this charge will have to change before a new steady state is achieved. Steady state or equilibrium is achieved. ठीक है? Or steady state. ठीक है? Steady state is a part of equilibrium. अच्छा जी, टू कैलकुलेट द एक्सेसिव माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, सो दिस इज गिवन बाय दिस इक्वेशन हियर, दैट इज द एक्सेस चार्ज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन होल्स की अगर बात करें आप, पी टाइप होल्स की, इट इज ए क्यू शेडेड एरिया अंडर द पी एन एक्स कर्व, शेडेड एरिया अंडर द पी एन एक्स कर्व, यानी कि इस शेडेड रीजन की बात हो रही है. दिस शेडेड रीजन चेंजेस जब अप्लाइड वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस वोल्टेज चेंजेस. सो दिस शेडेड रीजन, अगर ज़्यादा वोल्टेज आप अप्लाई कर देंगे तो ये जो कॉन्सेंट्रेशन है डिफ्यूजन,
इसका जो मैग्नीट्यूड है ये इंक्रीज कर जाएगा, तो कर्व कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है। सो द एरिया अंडर दिस पी एन एक्स कर्व, जो चार्ज यहाँ पे, इट इज डिपेंडेंट अपॉन द अप्लाइड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज। ओके, सो दिस एक्सेस चार्ज माइनॉरिटी चार्ज इज इक्वल्स टू ए क्यू टाइम्स द शेडेड एरिया अंडर द पी एन कर्व इज पी एन एक्स एन माइनस पी एन जीरो टाइम्स एल पी, दिस इज द डिफ्यूजन लेंथ, ठीक है, ऑफ द चार्ज अंटिल इट्स रिकम्बाइंड विद 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 ऑपोजिट चार्ज। तो पी एन जीरो इज इंट्रेंसिक कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन, और पी एन एक्स एन जो वोल्टेज इंक्रीज फॉरवर्ड बस वोल्टेज इंक्रीज करने से जो एट द एज ऑफ द डिप्लेशन रीजन एन टाइप की बात करें एट एक्स एन कैरियर कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गई, सो इनका डिफरेंस इज द एक्सेस कैरियर कॉन्सेंट्रेशन टाइम्स एल पी इज द डिफ्यूजन लेंथ। तो यहाँ पे क्यू पी इज इक्वल्स टू, अगर आप पी एन एक्स एन और पी एन नॉट के फॉर्मूला अप्लाई करें यहाँ पे, सो विल एंड अप विद दिस इक्वेशन हियर, क्यू पी इज इक्वल्स टू एल पी स्क्वायर अपॉन डी पी टाइम्स आई पी, एंड द फैक्ट एल पी स्क्वायर अपॉन डी पी रिलेट्स क्यू पी टू आई पी, ठीक है, एंड दिस एल पी स्क्वायर अपॉन डी पी इज द ट्रांजिट टाइम, द होल ट्रांजिट टाइम टाउ पी, और द माइनॉरिटी कैरियर होल लाइफ टाइम टाउ पी इज इक्वल्स टू एल पी स्क्वायर अपॉन डी पी, दिस इज द माइनॉरिटी कैरियर होल लाइफ टाइम। क्यू पी इज इक्वल्स टू टाउ पी टाइम्स आई पी, और आई पी इज इक्वल्स टू क्यू पी डिवाइड बाई टाउ पी। देखिए अगर सारा चार्ज, जो चार्ज डिफ्यूज़ हो रहा है, और लेट्स से होल्स की बात करें, वो डिफ्यूज़ हो रहे हैं पी टाइप से एन टाइप में एट एक्स एन, और फर्दर एक्सपोनेंशियली डीके कह रहे हैं, और जो लेंथ उन्होंने कवर की है डिफ्यूजन लेंथ इट इज़ एल पी, एल पी लेंथ पे पहुंच के जितने होल्स हैं वो रिकम्बाइन हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन से, ठीक है, तो आपके पास तो कोई होल्स ही नहीं बचे जो डिफ्यूजन करंट को फ्लो करवा सके। तो अनलेस एंड अनटिल दीज लॉस्ट होल्स आर रीप्लेनिश्ड रीफिल्ड बाय द एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज, और ये जो होल्स को रीप्लेनिश या रीफिल किया जाएगा बाय द एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज दैट विल बी आफ्टर एवरी टाउ पी सेकेंड्स, एंड टाउ पी का जो यूनिट है इट्स सेकेंड्स, ठीक है, टाइम का यूनिट है टाउ पी, दैट इज एल पी स्क्वायर अपॉन डी पी का यूनिट टाइम का है सेकेंड्स का। तो हर टाउ पी सेकेंड बाद जितने भी डिफ्यूज्ड होल्स थे जो इंक्रीज माइनॉरिटी कैरियर कॉन्सेंट्रेशन थी एन टाइप सेमीकंडक्टर में, वो सारे होल्स ख़त्म हो गए, रिकम्बाइन हो गए इलेक्ट्रॉन से, और हर टाउ पी सेकेंड के बाद उन तमाम होल्स को या फर्द इलेक्ट्रॉन्स को रीप्लेनिश या रीफिल करना पड़ेगा। सो दिस इज़ द रीप्लेनिशिंग करंट, होल करंट, ठीक है, एंड रीप्लेनिशिंग इज प्रोवाइडेड बाई एक्सटर्नल सप्लाई वोल्टेज। सो सिमिलरली फॉर इलेक्ट्रॉन्स क्यू एन इज इक्वल्स टू टाउ एन आई एन, ठीक है, सो द टोटल एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर चार्जेस क्यू इज इक्वल्स टू एक्सेस होल माइनॉरिटी कैरियर एन टाइप में और एक्सेस इलेक्ट्रॉन माइनॉरिटी कैरियर पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में, ठीक है, और पॉजिटिव करंट की बात हो रही है तो I इज इक्वल्स टू आई पी प्लस आई एन, ठीक है, एंड टाउ टी इज इक्वल्स टू टाउ पी प्लस टाउ एन, सो टाउ टी इज द मीन ट्रांजिट टाइम। अब यहाँ पे जो करंट है ये डिफ्यूजन करंट है, डिफ्यूजन करंट और अप्लाइड फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का I इज इक्वल्स टू आई एस एक्सपोनेंशियल वी अपॉन वी टी, वो रिलेशनशिप आप अप्लाई करें करंट को इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज करें लिखें फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, तो चार्ज एक्सेस माइनॉरिटी कैरियर चार्ज और फॉरवर्ड बायस वोल्टेज का एक रिलेशनशिप आ जाएगा, यू डिफरेंशिएट डी क्यू विद रिस्पेक्ट टू डी वी, यू गेट द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस डिफरेंशियल और इंक्रीमेंटल कैपेसिटेंस, सी डी इज इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी वी, सी डी इज इक्वल्स टू टाउ टी डिवाइड बाई वी टी टाइम्स आई। ओके, सो दिस हियर डिफ्यूजन कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिफ्यूजन करंट। ओके, एंड इट्स नेग्लिजिबल फॉर रिवर्स बायस डायोड। ओके, सो दैट कंक्लूड्स दिस चैप्टर। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करूँगा, वी विल प्रैक्टिस सम न्यूमेरिकल्स एंड एसोसिएटेड असाइनमेंट एक आपको मैं दूंगा इस पर न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।